कोबिन गवर्नमेंट ने सारे के सारे पॉलिटिकल क्लब्स को कर दिया था बंद. ओलंपे डिगोजे नाम की एक औरत थी जो कि काफ़ी ज़्यादा रिवोल्यूशनरी वुमेन थी, उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ वुमेन एंड सिटीजन्स लिखा था 1791 का. उसमें उन्होंने नेशनल असेंबली और क्वीन को एड्रेस किया था, पर उनकी मान्यताएं नहीं मानी गई. बाद में जो कोबिन गवर्नमेंट को जब उन्होंने क्रिटिसाइज करा तो उन्हें खुद एग्जीक्यूट कर दिया गया. बाद में उन्हें फाइनली फ्रांस में 1946 में राइट टू वोट मिला था.